नमस्कार, मैं कृष्णा सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मीडिया हंडर न्यूज। खबर जनपद शाजापुर से है, जहां तीन नाबालिग छात्राएं गायब होने से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जनपद शाजापुर की कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला दिलाजक से तीन नाबालिग छात्राएं गायब होने से हड़कंप मच गया। छात्राएं कक्षा 6, 8, 9 की बताई जा रही है। नाबालिग छात्राओं के गायब होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक एस आनंद कई घंटे तक कोतवाली में मौजूद रहे, जहां सूचना के बाद क्राइम ब्रांच एवं सर्विलांस की टीम के साथ साथ एसपी के साथ अलग अलग टीमों की बरामदगी के लिए लगाया गया। तो वहीं शक के आधार पर थाना सदर बाजार पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को उठाया है। मीडिया हंडर न्यूज शाजापुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बजे के आसपास थाना सदर बाजार में कि ये तीनों जो आपस में मित्र हैं और वीडियो के वायरल होते ही थाना जगदीशपुरा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब मीडिया कर्मियों ने मासूम से बात की तो मासूम चोट दिखाते हुए बोला, मुझे घर जाना है। मीडिया हंड्रेड न्यूज आगरा से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। कोहली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वार्षिक उत्सव के मौके पर उप प्रधानाचार्य श्री करतार सिंह, महेश पाल सिंह, प्रत्युष पाराशरी, पीयूष पाराशरी, राहुल रस्तोगी, राम भरोसेलाल, अभिलाष शर्मा, अखिलेश पाठक, संतोष मिश्रा, आनंद शर्मा, मनोज गंगवार, दुजेंद्र यादव, अनिल दीक्षित आदि अध्यापक गण एवं आगंतुक गण मौजूद रहे। मीडिया हंड्रेड न्यूज से अनमोल शर्मा की रिपोर्ट। जिनसे इनकी बातचीत होती थी उन सभी से कल ही रात में ही एक ऑपरेशन चलाकर सबसे पूछताछ की गई। सभी यहाँ मौजूद ही मिले, जिनसे जो इनके साथ पढ़ने वाले हों या मिलने जुलने वाले हों, आसपास रहने वाले हों, जिनसे भी ऐसा था कि इनके संपर्क में बातचीत होती है। उनसे पूछताछ के आधार पर और इनके मोबाइल फ़ोन के डिटेल के आधार पर भी कुछ आइडिया ये लगा है कि उनकी मनोदशा क्या हुई और कहाँ दिए जा सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है। इनके फादर, इनमें से एक के फादर जो हैं वो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, तो वहाँ पे एक बच्ची जो है चाबी देने गई थी इसी में से, और चाबी देने के बाद ये स्कूल तथाकथित रूप से निकले। तो सामने से न जाते हुए पीछे वाले रास्ते से ये तीनों गए हैं, जहाँ सीसीटीवी फुटेज में तीनों को जाते हुए देखा जा रहा है। अकेले ही जा रहे हैं, किसी जोर दबाव में नहीं जा रहे। ऐसा प्रथम दृष्टया ये भी मालूम चला कि घर से इन्होंने कुछ रुपये और कपड़े ये लिए हुए हैं साथ में। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी मर्जी से ही कहीं निकली हैं, और हम लोग पूरा इसके लिए दो टीमें लगाकर और इनके अभिभावकों के साथ ये पुलिस टीमें रात में 2 बजे ही रवाना कर दी गई, जहां इनके संभावित स्थान हो सकते हैं, और पूरे इनके सकुशल बरामदगी के प्रयास, सार्थक प्रयास जारी हैं। मैं मिनट टू मिनट इनके प्रोग्रेस के बारे में भी फीडबैक ले रहा हूँ, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इनको सकुशल बरामद करेंगे।